हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू अ पिन होल द टॉप एंड ऑफ अ थिन रॉड ऑफ हाइट एच प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। द बीकर हाइट इज 3 h एंड इट्स रेडियस h। व्हेन द बीकर इज फिल्ड विद द लिक्विड अप टू अ हाइट 2 h, देन ही कैन सी द लोअर एंड ऑफ द रॉड, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज। तो की कंसेप्ट की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा हो जाएगा स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू इंटू साइन आर। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो मैं दे रखा है हम उसको एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज ये हमारा बीकर है पूरा, ठीक है, ये लेट्स सपोज हमारा पूरा बीकर है। इसकी पूरी हाइट कितनी है? पूरी हाइट है इसकी 3 h। यहाँ पे ये रॉड रखी है, इसकी हाइट है h। हमने वाटर फिल करा है यहाँ तक, जिसकी हाइट हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 2 h। ठीक है, इसका रेडियस है h, यानी कि ये बीकर का जो रेडियस है वो h है, यानी कि पूरी ये कितना हो जाएगा? 2 h। यहाँ तक कितना हो जाएगा? h। ठीक है, अब हम सिंपलीफाई करने के लिए कुछ पॉइंट्स दे देते हैं कि लेट्स सपोज, ताकि हमारा डायग्राम, ताकि हम जब सॉल्व करें तो बहुत आसानी हो इसे सॉल्व करने में। तो लेट्स सपोज यहाँ पे जो, यहाँ से जो पर्सन देख रहा है, ठीक है, यहाँ से वो पर्सन देख रहा है, यहाँ से लाइट आई है रे, उसको टॉप दिखता है। कब उसको टॉप कब दिखता है? जब बीकर कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे उसको क्या दिखता है? पर जब उसको हम 2 h हाइट तक फिल कर देते हैं तो उसको बीकर का जो बॉटम है वो भी दिखता है, मतलब यहां से लेकर ये वाली लाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारा पॉइंट सी है, ये पॉइंट हमारा एफ, ये पॉइंट है हमारा जी, ये पॉइंट है हमारा बी, ये पॉइंट है हमारा एच, ये पॉइंट है हमारा डी, ये पॉइंट है हमारा ई। इस इनको मान लेते हैं। ठीक है, नाउ अब हम देख सकते हैं यहां से हमारा एडी कितना आ गया। ए को हमने माना है ये वाला पॉइंट, ठीक है, दिस इज अ ए। तो यहां से हमारा एडी आ गया 2 h, एच डी आ गया h, ए सी की लेंथ आ गई हमारी h, बी सी की लेंथ आ गई हमारी यहां से h। ठीक है, नाउ अगर हम एंगल देखते हैं तो देखो ये वाला एंगल है आई इंसिडेंस। ठीक है, तो जो ये वाला एंगल है पूरा, ये वाला एंगल, ये भी कितना होगा? आई होगा, अपोजिट है क्योंकि। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 90 माइनस आई। ठीक है, और ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा? आई। तो यहां से हमने आई, देखो ये वाला एंगल है हमारा आई, इसका अपोजिट वाला कितना हो जाएगा? आई। ये वाला एंगल ट्राइंगल की वजह से कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा? ये वाला आई। तो यहां से हमने ए बी सी जो एंगल है वो हमने निकाल लिया आई। ठीक है, अब हम इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं, टेन आई की इन ट्राइंगल। तो हमने यहाँ पे एबीसी एंगल, एबीसी ट्राइंगल ये बनाया था, ए बी सी। तो यहाँ पे जो हमारा एबीसी एंगल में, एबीसी ट्राइंगल में जो हमारा बी एंगल था वो कितना था हमारा? आई।
तो जो यहां से हमारा 10 आई हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10 10 थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 10 आई हो जाएगा हमारा AC बाय BC। AC हमारा, AC को हमने अभी निकाला था, AC हमारा कितना आया था, H आया था, और जो हमारा BC था वो भी हमारा कितना था, H था, ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। तो ये H बाय H हो जाएगा, यानी कि जो हमारा 10 आई हो गया दैट विल बी इक्वल्स टू 1, यानी कि जो हमारा आई हो गया दैट विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। अगर हम आर निकालते हैं, ठीक है, अब आर देखते हैं कि आर क्या होगा, तो ये वाला पूरा आर हो गया, तो ये 90 माइनस आर होगा ये वाला, तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारा आर। अगर हम इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, ए इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, लेट सपोज हमने इसको मान लिया जेड एक्स मान लेते हैं, ए एक्स टी वाले ट्रायंगल में जब हम देखते हैं तो ये आर है, तो मानी यानी कि ये जो वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल होगा ये होगा 90, तो ये हो जाएगा हमारा आर। नाउ इन ट्रायंगल ए एच डी, ए एच डी, यहाँ पे हमारा क्या है, ये आर है, तो यहाँ से हम पहले ए एच निकाल लेते हैं, तो ए एच हमारा कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस 2h2, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ए डी है वो कितना है 2h, और जो हमारा डी एच है वो कितना है हमारा h। तो यहाँ से हम टू पाइथागोरस थ्योरम, ए एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस 2h2, यानी कि ए एच हमारा कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 5 √5h। तो यहाँ से जो हमारा साइन आर हो जाएगा, साइन आर दैट विल बी इक्वल्स टू एच डी बाय ए डी बाय ए एच, एच डी हमारा कितना था एच, और ये एच, ए एच हमने अभी निकाला है √5h, तो साइन आर आ गया 1/√5, ठीक है। अब यहां से हमें स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई बाय साइन आर विल बी इक्वल्स टू √2/√1, तो साइन आई हमारा कितना था, आई हमने अभी निकाला था 45, तो साइन 45 बाय साइन आर, आर कितना है 1/√5 इज इक्वल्स टू √2/√1, √1 हमारा कितना हो जाएगा 1, तो यहां से हमारा √2 कितना आ जाएगा, √2 इज इक्वल्स टू साइन 45 बाय साइन 1/√5। यहां से हमारे म्यू टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5/2। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी √5/2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।